सोशल मीडिया हो या अखबारों की हेडलाइन, हर जगह लेनिन का नाम सुर्खियों में है। आखिर कौन है ये लेनिन? क्यों इनकी मूर्तियों को त्रिपुरा में जेसीबी से ध्वस्त किया गया? असल में पिछले 25 सालों से त्रिपुरा में वामपंथी माणिक सरकार का राज था। जब इसके 20 साल पूरे हुए तो राज्य में लेनिन की मूर्ति लगाई गई, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आ गई। ठीक उसके बाद ही लेनिन की मूर्तियों को गिराने का मामला सुर्खियों में आया। लेकिन आप जानते हैं कि लेनिन कौन थे? असल में लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन उल्यानोव था। उनका जन्म 22 अप्रैल 1870 में हुआ था। करीब 100 साल पहले लेनिन के नेतृत्व में ही 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। हालांकि रूसी क्रांति के ज्यादा दिन तक वो नहीं रहे और साल 1924 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका प्रभाव रूस पर बहुत बड़ा रहा। माना जाता है कि मार्क्सवादी विचारधारा को अमली जामा उन्होंने ही पहली बार पहनाया था, इसलिए दुनिया भर के कम्युनिस्टों के लिए वे आदर्श हैं। भारत में नेहरू से लेकर भगत सिंह तक लेनिन का प्रभाव था। यहाँ तक कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी तो वो लेनिन की किताब ही पढ़ रहे थे। 90 के दशक में सोवियत संघ टूटा तो स्टालिन की मूर्तियों के साथ लेनिन की मूर्तियां भी तोड़ी गईं। साथ ही यूक्रेन में तो करीब 1300 मूर्तियों को गिराया गया था। करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।